दोस्तों, किंग खान की फिल्म डंकी ट्रेलर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि डंकी के भी जवान की तरह दो बड़े ट्रेलर रिलीज किए जाएंगे ताकि फिल्म की हाइप और ज्यादा बनाकर सलार को टक्कर दे सके। डंकी का ट्रेलर को लेकर अंदर से खबर बाहर आई है कि इस बार किंग खान और राजकुमार हिरानी मिलकर बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। वही दोस्तों, डंकी और सलार किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये होगा, लेकिन सलार की हिम्मत भी देखो। हमारा मानना है कि अगर डंकी का ट्रेलर दमदार निकला तो समझो सलार का हिंदी में मामला खत्म कर देगा। सलार को कोई छोटी फिल्म नहीं है, लेकिन डंकी का डायरेक्टर अपने आप में एक स्टार है। दूसरा, शाहरुख खान को तो दुनिया मानती है, ग्लोबल स्टार है। इसलिए हम आपसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से कौन बनेगा बॉक्स ऑफिस का किंग और किसी फिल्म मारेगी बाजी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि कुछ भी कहना मुश्किल है, कब कौन बाजी मारकर चला जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ज्यादा चांस डंकी वालों के ज्यादा नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सब लोग एक्शन एक्शन बनाते जा रहे हैं तो लोगों को कुछ नया चाहिए, वही डंकी उस कमी को पूरा करेगी। और डंकी में राजकुमार हिरानी किंग खान के साथ मिलकर बहुत बड़ा धमाका कर रहे हैं। डंकी की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दुनिया के किसी हिस्से से अपने घर वापस आना चाहता है, इसलिए फिल्म की शूटिंग भी विदेशों में की गई है। वही सलार को भी अमेरिकी आर्मी के साथ एक्शन करते दिखाया गया है, इसलिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि डंकी और सलार किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप लोग कॉमेंट में हमें बताएं कि डंकी या सलार कौन सी फिल्म आगे जाएगी।